ठाकुर जी द्वारिकाधीश, ठाकुर जी कहलाते हैं द्वारिकाधीश। जमीन है रेवती जी का जहां पे बना है, बलराम जी का भी नहीं, ससुराल का है। और लोग कहते हैं कि ये घर जमाई हो गया, ठाकुर जी है तो फिर हमें क्या है। वो पूरा एरिया, वो जमीन रेवती जी की। तो अगर टेक्निकल रूप से देखोगे तो द्वारिकाधीश हैं बलराम जी, संपत्ति उनकी। पर सोशल रूप से देखोगे तो बनाया है उग्रसेन जी को, सामाजिक तौर पर। लेकिन अगर इमोशनली देखोगे तो ठाकुर जी हमारे हैं भाव प्रधान द्वारिकाधीश, सबके भाव के राजा हमारे ठाकुर जी। राजा बनना ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि पिछली बार बने थे 14-15 वर्ष की आयु में राजकुमार बना करके 14 वर्ष तक के लिए भेज दिए थे लोग हमें, अब दोबारा नहीं। राजकुमार बनाने में तो 14 साल के लिए भेज दिया था, बोला हमें राजा हो जा नहीं बनना, आप हम देख चुके हैं बड़े बड़े राजाओं का हालत, हमें बिल्कुल राजा नहीं बनना है, इस जन्म में तो हमको बनना ही नहीं, दादा तुम बन जाओ। बोले हाँ, सब जगह दादा बन जाओ, दादा बन जाओ, दादा दो धनुष, दादा तोड़ो। पिछली बार तो हम कहीं याद ही नहीं आ रहे थे, हम चुप हो गए थे 14 बरस तक, बस बिना सोए बिना खाए थे, अब हमें याद आ रहे हर जगह। ठाकुर जी बोले बड़ा भाई बन के आए हो, पिछली बार लक्ष्मण बन के आए थे तो पूछा कि लक्ष्मण तूने बहुत सेवा की, बता तुझे क्या चाहिए। बोला ठाकुर जी छोटा बन के आए तो बहुत बार मन महसूस के रह जाना पड़ा, नहीं तो कितनों को रगड़ देते पहले ही। तो बोला फिर, बोला अगली बार बड़ा भाई बना दियो। ठाकुर बोले आ जाओ, रहोगे तो तुम बड़े, बस काम हमारा ही होगा महाराज। एक कवि कविता पढ़ रहा था, अब पहलवान डंडा लेके आ गया मोटा, अब घूमे इधर से उधर, कभी तो सोचा आज जान गया, ये छोड़ेगा नहीं भारत की, अब घूमे इधर से उधर। लास्ट में उसने कहा तू पढ़ पढ़ चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुझको लाया है, तू पढ़। तो हमें कुछ मत बोलियो, जाने हमें कहो कि आज 4 घंटा कथा होगी, तुम उनको ढूंढो। हम तो गरीब आदमी है महाराज, हमें बता दिया गया, हम बता रहे हैं, हम तो 3 घंटे में उठ जाते थे रोज, 3 घंटा से ज्यादा हमने कभी किया ही नहीं, 2.5-3 घंटे में उठ गए। पर आज काऊ ने कह दिया गुरुजी आज रगड़ दो 4 घंटा। हम चिंता मत करे, हम तो पहले 4 घंटा बोल लेंगे, उसके बाद तुम्हारा नाम भी खोल देंगे, तू भी रगड़ा जाएगो। महाराज तो ये है द्वारिकाधीश, सोशली अलग, इमोशनली अलग, टेक्निकली अलग, राजा भी अलग अलग। हाँ, ये सब चीज जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, जाननी है, जितना लिखा है उतना ही नहीं पढ़ना है, विवेचना करना है। व्यास जी को 4 श्लोक मिले, 18,000 बना दिया। अब तुम लोग ऐसे हो कि 18,000 दें तो तुम लोग 3-4 बना के रखे, 2-3 भी याद नहीं है ठीक से आज के लोगों को। बताओ, उनको 4 मिला तो 18,000, हम लोगों को 18,000 मिला तो कितना याद है तुम लोगों को? बताओ गांव वालों, छत्तीसगढ़ के एक गांव में, वहां बच्चों को 100 से ज्यादा वहां के लोगों को श्लोक हम लोग आनंद में बोलते बोलते याद करते थे। आज भी 69 से 70 श्लोक इन लोगों को याद है, संस्कृत का 100 नहीं जानते, और 70 श्लोक धड़धड़ा के ये पढ़ देंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात सल्पर परत निशान।